एक चीज और पता चलता है कि इस समय रेड सी और गल्फ ऑफ इडन जहाँ पे ईरान बैठी होती है उस सी रूट से आने जाने वाले मालवाहकों पे हमला कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी सीरियस बात है और जिसके ऊपर दुनिया में चर्चा हो तो रही है, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर अभी तक समाधान निकाला नहीं जा सका। और क्योंकि इस एरिया से भारत के भी मालवाहक जहाज आते जाते रहते हैं, इसलिए भारत ने पहले ही अपने वॉरशिप इस इलाके में तैनात कर रखे हैं। और यही वजह है कि हुए घटना के अंदर जिसमें हूथियों ने ब्रिटेन की एक कंपनी का मालवाहक जहाज जिसका नाम मर्लिन लुआंडा है उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद उस जहाज में आग लगी, जिस पर उस जहाज के कैप्टन ने मेडे मेडे यानी हेल्प हेल्प का सिग्नल भेजा, जिसको कि भारत के INS विक्रांत ने कैच किया, जिसके बाद फौरन एक टीम तैयार की गई मर्लिन लुआंडा को बचाने के लिए। और अभी तक ये तीसरा मामला है जब भारतीय नेवी ने एक्शन कर जहाजों को बचाया है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी एक ब्रिटिश तेल टैंकर जो है मार्लिन लुआंडा, उसका बात सामने आया है जो रेड सी में हुती जो है आतंकी संगठन उसने मिसाइल डाला। तेल टैंकर था ये, ब्रिटेन का था मार्लिन लुआंडा, उस पर उसने मिसाइल लगाया और उसमें आग लग गई। भारतीय जो वहाँ पर सी में जो जहाज है विशाखापत्तनम, उसने विशाखापत्तनम का अग्निशमक टीम जो है वो जाके उसकी आग बुझाई और उन लोगों की जान बचाई। जैसे ही मिसाइल हुती ने मारा तो आग लग गई और हेल्प हेल्प करके ब्रिटिश तेल टैंकर जो है मार्लिन लुआंडा हेल्प हेल्प किया, तो उस सी में जो विशाखापत्तनम सी में जो था अग्निशमक टीम उसको पता चला और वो इमीडिएट वहाँ पर एक्शन में गया। और इसके पहले भी ये थर्ड वाकया हो गया है जो कि सी में भी कोई भी टेररिस्ट गतिविधि होती है, आतंकवादी गतिविधि होता है, एक हाईजैक भी करने का कोशिश किया था, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो इंडिया इमीडिएट जाके उसमें एक्शन लेता है और हेल्प करता है। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तानी है उसको हजम नहीं होता। अभी पहले सुनते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या जो है हुआ। ब्रिटिश तेल टैंकर जो मार्लिन लुआंडा है वो इंडियन नेवी ने वो लेके आ रहा था, तो उसमें जो मिसाइल हुती ने मारा, आग लग गई, हेल्प करके ये लोग गया उसको बचाया। पाकिस्तान का क्या कहना है, पाकिस्तानी ये वहाँ के जो है मीडिया पर्सन हो या कोई, कि भारत है दादा बनने का कोशिश कर रहा है, कोई अगर हेल्प मांगेगा तो हेल्प, तो अगर हम पॉसिबल कैपेबल हैं तो हेल्प करते हैं, आपको आटा नहीं मिल रहा है, खाने को तरस रहे हैं तो आप हेल्प किसको करेंगे। अभी जो मार्लिन लुगांडा में जो आग लगा, जो आग को काबू करने के लिए वहां का वो वही टैंकर है जिस पर 22 भारतीय सवार हैं, INS विशाखापत्तनम की अग्निशमक टीम इसमें विशेषज्ञ अग्निशमक उपकरण के साथ 10 भारतीय नौसेना कर्मी शामिल थे। वह 27 जनवरी को जहाज पर चढ़े MV के चालक दल के साथ आग पर 6 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया। फिलहाल स्थिति बहुत नॉर्मल है। INS विशाखापत्तनम ने MV के SOS कॉल का जवाब दिया, उधर जो कॉल हुआ हेल्प का तो उसका जवाब दिया और सहायता प्रदान करने के लिए अपने अग्निशमक जो टीम है उसको इमीडिएट वहां भेजा ताकि वो आग बुझा सके, नहीं तो तेलों में आग लगेगा तब तो सोचिए विस्फोट हो जाएगा। एक अमेरिकी और फ्रांसीसी युद्धपुत पोत ने भी संकट कॉल का जवाब दिया था, क्योंकि समुद्र में क्या है सब कंट्री का युद्ध पोत रहता है, तो इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है, फ्रांस का भी है, उन लोग ने भी जवाब दिया, लेकिन नज़दीक भारत का था इसीलिए ये लोग इमीडिएट पहुंचा और उसको 6 घंटा कड़ी मशक्कत के साथ आग को पर काबू कर लिया गया, बुझा दिया गया।
भारतीय नौसेना के मर्चेंट शिपिंग और नाविक की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम है। मतलब ये लोग अपना ड्यूटी जो है ना, ड्यूटी 101% निभाता है। तो वो जैसे ही उसको पता चला, जैसे ही कॉल मिला, इमीडिएट एक्शन में एसओएस को का कॉल का जवाब फटाफट दिया। 26 जनवरी को बता देते हैं कि 26 जनवरी को हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर जो है, जो कि सीप है, तेल टैंकर वाली सीप है, वो मार्लिन लुआंडा उसका नाम है, का निशाना बनाया था। हूती उधर से जो कोई भी टैंकर गुजरता है तो उसको निशाना, और उधर आप देखिए दूसरे तरफ वो टैंकर को भी डाइवर्ट करके हाईजैक कर रहा था। तो इस तरह करके हाईजैक करने के लिए चढ़ाई था कि ये लोग फटाफट पहुंचा, एक्शन में आया, हाईजैकर भाग गया, पिछला बार जो हुआ था। तो इस तरह करके जो है उसको निशाना बनाता है। इस पर जो है निशाना बनाया था, इस पर 22 भारतीय सवार हैं। नौसेना ने कहा कि इस उसके निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम को 26 जनवरी को रात तेल टैंकर से एक क्राइसिस कॉल के जवाब में अदन की खाड़ी तैनात किया गया था। तो इस तरह करके हूती सेना के जो मिसाइल लिया, मारा, उससे पूरा आग को बुझा लिया गया, जिससे बहुत बड़ा ट्रेजडी होने से बच गया। अब क्या है, अब हमारे जो नेबरिंग कंट्री पाकिस्तानी है उसमें आप देखिए, एक वहाँ के मैं नाम भी बता दूँ, कमर चीमा, कि भारत दादा बनना चाहता है। दादा अगर कोई हेल्प, कल के डेट में तुम्हारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हेल्प मांगोगे तो हेल्प अगर कर दें तो दादा बन जाए, नहीं हेल्प करें तो हम बहुत अकड़ वाले हैं। तो मतलब खाने से भी परहेज, भूखे रहने से भी परहेज। तीन तीन वाकया हो गया, तीन को बचाया गया। तो आप सोचो, तुमको और आदमी को तुमको धन्यवाद देना चाहिए कि कब हमारे साथ भी होगा तो भारत कैपेबल है कि बचा सकता है। तो तुम्हारा क्या है, भारत का एक ही लक्ष्य होता है कि हम इस्लामिक कंट्री का जो 56-57 उसका मैं हेड बने। लेकिन भारत का वो नहीं है, भारत का छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, विश्व गुरु बनना चाहता है भारत। अच्छे विचार, अच्छे विचार, उच्च विचार और अच्छी अस्पर्धा, जिसको बोलते हैं कंपटीशन, सब में रखना चाहता। मार पीट, खून खराबी, ये सब से कुछ नहीं होने वाला है। तरक्की, आदमी में आदमीयता हो, वो हमारे कंट्री का नियम है, सबसे पहले नियम है। अगर हम किसी को बचाते हैं, बहुत बड़ा मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला होता है, तो बचाते हैं तो ये हमारी जो है खासियत है, हमारे यहाँ का संस्कार है। इसमें दादा बनना चाहता है, आप देखिएगा तो उसमें ये बात कर रहा है, तो ये गलत है। दादा नहीं, हम लोग किसी का रक्षक बनना चाहते हैं, कोई दादा नहीं बनना चाहते। INS विशाखापत्तनम, जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, था जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम ME मर्लिन, उस पे हमला हुआ और उसकी जो कॉल थी उस पे रिस्पॉन्ड किया। So the attack on the Marlin Luanda in the Gulf of Aden, the missile used yesterday was a ballistic missile. INS विशाखापत्तनम ने मौके पर पहुंचकर इस जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान बचा ली। दरअसल हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर MV मार्लिन लुआंडा पर मिसाइल दागी थी। Trafficura also complements the role played by the navies of India. So I really thank the Indian warship INS Vishakhapatnam. They have done a really tremendous job. These guys were really tough. Hats off to Indian Navy. India ऐसे क्यों कर रहा है, ये सवाल बनता है। ये क्योंकि तीसरा वाकया है इस महीने और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज्यादा शिप्स जो हैं अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई है। अब आप ये भी जानते होंगे कि इंडिया की एक एस्पिरेशन है सुपर पावर बनने की। बिल्कुल, पाकिस्तान की एस्पिरेशन हमेशा इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की रही, तो उसने हमेशा इस्लामिक रूल्स को चूज किया।
इंडिया की एस्पिरेशन हमेशा वर्ल्ड लीडर बनने की रही, कम से कम विश्व गुरु बनने की रही, तो हमने वो वाला पाथ चूज किया। इंडिया जो अभी जैसे उन्होंने कर दिया है, सो इट मींस इंडिया इज फुली एम्बिशियस। हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं। एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने एक मीटिंग में ये स्टेटमेंट दी थी कि नो मैच फॉर इंडियन आर्मी। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर पाकिस्तानी माइंडसेट से ये देखा जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये इंडियन नेवी जो है, थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक INS विशाखापट्टनम, इसका नाम है शायद, और उसने एक जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम ME मर्लिन, उस पर हमला हुआ और उसकी जो डिस्कॉल थी उस पर रिस्पॉन्ड किया, और होथीस ने इसको हमला किया है। और इसके अंदर ये जो ME मर्लिन जिस मर्चेंट शिप का नाम है, तो इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, ये सवाल बनता है। और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई है। ये क्योंकि तीसरा वाक्य है इस महीने, और इस वाक्य के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है। तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है या बनना चाहता है, ये है सवाल। इंडिया बड़ा वेल पोजिशन है इंडियन ओशन में, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंडियन, बहुत सारे लोग थे इसको इंडियन ओशन मानने को तैयार ही नहीं, और इंडिया ना कब फलाना, वही ठीक है, इंडो पैसिफिक के टर्म के खिलाफ है बहुत सारे, नहीं जी इंडियन इंडो पैसिफिक नहीं कहना है इसको। इंडिया जो अभी जैसे उन्होंने कर दिया है, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी, जो उन्होंने अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी को डिप्लॉय किया है कि एक महीने के अंदर तीसरी वेसल को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया एज ए रीजनल पावर, इंडिया की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ये वो तो ठीक है ना जनाब, लेकिन फाइटिंग विद अदर कंट्रीज इन द हाई सीज को मजाक नहीं है भाई साहब। और मैं इसको देखता हूँ, अब पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान ने नेवी किस लिए रखी हुई है, प्राइमरली हमारी नेवी कोई पायरेसी काउंटर करने के लिए, हम इतनी लंबा चौड़ा नेवी को इस्तेमाल नहीं करते, बाकी हम जो है वो हमारा फोकस जारी बात है इंडिया पे होता है, और इंडिया को ही हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे एम्बिशन ज़्यादा हैं। आप ये जो इंडियन नेवी पहुँचती है, आपको पता है जब ये मर्चेंट वेसल्स चलती हैं तो जिस मुल्क ने इनको प्रोटेक्ट करना है, दैट कंट्री विल, वो उसको हाईलाइट करेगा अगली दफ़ा जब नेवीज की मुलाकात हो कि जनाब आपकी मर्चेंट वेसल जा रही थी, उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, हम वहाँ पहुँच गए और हमने आपका किया, हमने आपके लोग बचाए, आपका जहाज बचाया, हमने देखिए हम बड़ा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब ये है कि हम बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं, यही मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे हम करें। दरअसल हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर MV माली लुआंडा पर मिसाइल दागी थी। इस हमले की वजह से टैंकर में आग लग गई थी। इंडियन नेवी ने बताया कि उसके निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम ने MV माली लुआंडा पर अग्निशमन प्रयासों के लिए एक टीम तैनात की। इस टैंकर के चालक दल के सदस्यों में 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी थे। जहाज पर मिसाइल हमला कथित तौर पर ईरान समर्थित हूती आतंकियों द्वारा किया गया। इस जहाज का संचालन ब्रिटेन की कंपनी ओसियोनिक्स सर्विसेज द्वारा किया जा रहा था। इंडियन नेवी ने इस मालवाहक जहाज के कप्तान का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वह SOS कॉल का जवाब देने के लिए युद्धपोत के कर्मियों को धन्यवाद दे रहा है। दरअसल मालवाहक जहाजों पर हमलों की हाल ही घटनाओं के मद्देनजर इंडियन ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में जंगी जहाज तैनात किए हैं। इस महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने 17 जनवरी की रात को अदन की खाड़ी में MV जैनको पिकादी पर ड्रोन हमले के बाद उसके संकटकालीन कॉल का जवाब दिया था।
5 जनवरी को इसने लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाज एमवी लीना नॉर्फोक के उत्तरी अरब सागर में हाईजैकिंग की कोशिश को विफल कर दिया था और उसके सभी चालक दल के सदस्यों को बचाया था। आपको कैसा लगा ये एपी ज्ञान चैनल से मैंने इसका लिया था, कवर किया था, और ये सही बात है जो मैंने बोला, गलत बोला कि अगर किसी को बचाना का है तो वो तो अच्छी बात है ना, उसमें दादा बनने वाली कहाँ से बात आती है। तो अगर आपको ठीक लगे, सही लगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँगी और पूरी वीडियो को देखिए। तब तक इतना ही, मिलती हूँ फिर, नमस्कार।